हेलो दोस्तों, मैं सुनंदा और आपका स्वागत है लिमिटलेस कुकिंग विद सुनंदा में। आप लोगों ने ये सुना होगा बेंगोलीज को माछेर झोल कहते हो। अब आप समझ ही गए होंगे आज की हमारी रेसिपी। चलते हैं रेसिपी लिस्ट की ओर। 5 पीसेस फिश, कुछ धनिया के पत्ते, 3 टीस्पून सरसों और मगज तोरी का पेस्ट और लेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून काली जीरा, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टमाटर, 4 हरी मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक। आप लोगों ने ये सुना होगा बेंगोलीज को माछेर झोल कहते हुए। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेंगोलीज माछेर झोल ज़्यादा खाते भी है और बहुत अच्छा बनाते भी है। अब हम तवा चढ़ा लेंगे चूल्हे पर। तवा गर्म होने से पहले फिश का हल्दी और नमक लगा लेंगे। ता गर्म होने पर 1/2 कप तेल ऐड कर देंगे। और फिश को फ्राई करेंगे। और फिर उतार लेंगे। अब हम कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई गर्म होने के बाद 3 टीस्पून तेल ऐड करेंगे। तेल गर्म होने के बाद इसमें काली जीरा ऐड करेंगे। उससे हल्का फ्राई करने के बाद सरसों और मगज का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे। उसके बाद 1 कप पानी ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी हल्का सा सूखने के बाद टमाटर ऐड कर देंगे। और फिर 3 कप पानी ऐड कर देंगे। साथ में हरी मिर्च और फिश ऐड कर लेंगे। कढ़ाई कवर कर लेंगे। हाई फ्लेम में 5 से 6 मिनट पकाएंगे। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। अगली रेसिपी और भी मज़ेदार होगी। और कुछ धनिया के पत्ते दे देंगे और आपका बेंगोली स्टाइल फिश करी तैयार।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।